भाई दही बाड़े खाना किसे पसंद नहीं है, हर किसी को पसंद है, पर अगर बनाने की बात आती है ना तो सबको बोरिंग लगता है। पर आज हम जिस तरीके से बनाएंगे ना, मिनटों में बनकर तैयार होगी। तो गर्मी के सीज़न में अगर ये दही बाड़े मिल जाए ना तो क्या ही बात है, मतलब पेट को भी ठंडक मिलती है और दिल को भी ठंडक मिलती है। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं तो बार बार इसे बनाती हूँ और गर्मी में बनाना भी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से बनाना। तो क्या करना है, हमने यहाँ पे उड़द दाल को रात भर के लिए भिगो कर रखा था, तो आप चाहे तो इसे 4 से 5 घंटे के लिए भिगो कर रखें। फिर इसके बाद ग्राइंडर में पीस लें और ये देखिए हमारा ये जो है ना घोल, बस इस तरीके से रखना है, मतलब पतला नहीं करना है, बस ये गाढ़ा ही रखना है। और ये देखिए एकदम इस तरीके से है ना, मतलब थोड़ा पानी डालकर ग्राइंड करना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक, बस थोड़ा ही ऐड करना है, 2 पिंच, और आधी छोटी चम्मच सोडा ऐड कर देंगे और इन सब चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए पेस्ट कितना गाढ़ा है, ऐसा ही पेस्ट तैयार कीजिएगा तभी एकदम परफेक्ट वाड़े तैयार होंगे। तो चलिए हम इसे साइड में रखते हैं। और यहाँ पे हमने 2 कप दही लिया है, दही को हम ग्राइंडर में एक बार इसे ग्राइंड कर लेते हैं ताकि जो टुकड़े टुकड़े रहते हैं ना वो अच्छे से एकदम घुल जाएंगे। तो चलिए ग्राइंड कर लेते हैं। और ये देखिए हमारा मट्ठा तैयार है, मतलब छाछ तैयार है। तो आप पानी अपने हिसाब से डाल दीजिएगा, मतलब ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा, मतलब गाढ़ा ही रखिएगा, ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे, हमने जीरा और लाल सूखा मिर्च को रोस्ट करके इसे हमने ग्राइंड कर लिया था, आप चाहे तो कूट कर भी डाल सकते हैं, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और इस टेस्ट के अकॉर्डिंग ये डालिएगा दोस्तों मिर्च। और यहाँ पे हमने आधी छोटी चम्मच डाला है काला नमक, और यहाँ पे हमने सफ़ेद नमक भी ऐड किया था, तो आप नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और इन डालकर अच्छे से मिक्स कर देना है। और ये देखिए हमारा ये जो बाड़े का घोल रहती है ना, मतलब जो मट्ठे रहती है ना, वो तैयार है। तो चलिए टेस्ट करके देख लेते हैं, और ये वो तैयार है तो हम उसे साइड में रख देते हैं। अब हम बड़े को तैयार कर लेते हैं, मतलब फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे बॉल्स बनाकर इस तरीके से डालेंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये 3 से 4 मिनट में फ्राई हो जाता है दोस्तों, एकदम तुरंत ही फ्राई हो जाता है। तो चलिए हम बड़े को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और ये देखिए मतलब इस तरीके से थोड़ा लीजिएगा ना पेस्ट, और इस तरीके से गिराएगा ना तो एकदम तुरंत ही गिर जाएगा और ये फूला फूला बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप इस तरीके से बनाएंगे ना ये दही बाड़े तो एकदम फूला फूला बनकर तैयार होगा और एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होगा, जो कि एकदम मुंह में जाते ही घुल जाएगा। तो चलिए हम बड़े को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, और ये गोल्डन कलर का हो जाएगा ना तो हम इसे निकाल लेंगे। तो गर्मियों के सीज़न में आप एक बार ये दही बाड़े ज़रूर ट्राई करें दोस्तों। और ये देखिए हमारे बड़े तैयार है, एकदम गोल्डन कलर का हो गया है। तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं, और ये देखिए कितना एकदम लग रहा है ना, एकदम लाजवाब। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पानी में डाला है दोस्तों, गरम गरम जब भी निकालें ना तुरंत ही पानी में डाल दें ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए पानी में। इसके बाद हम जो हमने छाछ तैयार किए थे ना मसाले वाले, उसमें ऐड करेंगे। तो पहले हम पानी में ऐड कर देते हैं, और 1 से 2 मिनट के बाद ये अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो क्या करना है, पानी को इस तरीके से निचोड़ लेना है, ध्यान रखना है यहाँ पे कि पानी को निचोड़ लेना है तभी छाछ में डालना है। तो इस तरीके से हमने निचोड़ कर इस तरीके से ये छाछ वाले जो हमने मसाले वाली छाछ तैयार की थी ना उसमें ऐड कर रही हूँ। तो इस तरीके से सारे बॉल्स को हमने डाल दिया है, और ये देखिए हमारे दही वाड़े तैयार है, एकदम परफेक्ट वाले, एकदम गाँव के स्टाइल में। तो इसे 1 से 2 दिन के लिए रखना नहीं है दोस्तों, तुरंत बनाना है, तुरंत सर्व करना है, ऐसा वाला दही वाड़ा तैयार है। तो आप इस गर्मियों में ये दही वाड़े ज़रूर ट्राई करें दोस्तों, मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है और पेट को भी ठंडक देती है और दिल को भी ठंडक देती है। तो आप ज़रूर ट्राई करें, आप एक बार बनाएंगे और 10 से 15 दिन इसे फ्रिज में रखकर मतलब इन्जॉय कर सकते हैं। तो चलिए ये देखिए दिखाते कितना एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुई, एकदम रुई जैसी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके बताएं, अच्छा लगे तो लाइक शेयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।